हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस आज हम लोग खेल रहे हैं पावर वॉश। और गाइस इस गेम में आपको तो दिखाई दे ही रहा होगा ये जो उल्टी जैसी गंदी वाली गाड़ी है, अपन लोग को आज इसी को साफ करना है। पता नहीं किस कबाड़ से उठा के लाए थे ये चौप के बच्चे इसको। फर्स्ट भाई मैं नहीं लाया भाई, मेरे को कुछ लोग दे करके गए, बोले आपको साफ करने का है। ठीक है भाई, अब कर देते हैं सफाई शुरू, अब कोई और ऑप्शन नहीं है गाइस। तो ये पुचुक पुचुक करने वाली जो गन है इसका इस्तेमाल करके हम लोग को, ओ भाई क्या ओवर अप, बाप रे ये तो एकदम निर्मा वाला सफाई दे दिया भाई। गाइस इसको तो एकदम टाइड वाइट के जैसा चमकाऊंगा मैं। आजा दोस्त, चल चल चल, कहां कहां मारना है, रुको इसको ऐसे 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 ऐसे। ओ भाई ये तो पूरा क्लीन हो गया, पूरा कचरा निकल गया गाइस। अरे सैटिस्फाइंग का बच्चा, अभी तू देखता जा भाई क्या गाड़ी साफ करेंगे अपन लोग। ऑलराइट लेट्स गो। तो यहां पर अपन लोग को और नोजल्स देखने को मिलते हैं। अरे भाई ये सबसे पावरफुल वाला है, यानी कि जो जिद्दी मैल और जिद्दी दाग है आप उनको इससे साफ कर सकते हो। ये देखो मैं यहां पर चॉप लिख के दिखाता हूं आप लोगों को, ये सी एच ओ और ये ओ लिख दिया और अब पी लिखते हैं। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कैसा लगा चॉप? फर्स्ट बार आपने बहुत अच्छा काम किया, मेरा नाम आपने कचरे में लिख दिया, साबित कर दिया कि मैं एक नंबर का कचरा हूँ। अरे नहीं दोस्त ऐसा थोड़ी है, तुम तो हमारे शान हो। अरे भाई कितनी गंदगी है गाइस, टैप दबाने से पता चलता है कि यहाँ पर कितना गंदगी है और मैं तो होश उड़ गए। एक काम करते यहाँ पर चॉप को मिटा करके अपन लोग को इस गाड़ी को साफ करना शुरू कर देना चाहिए। और ये देखो चक्को में भी मैल भर के रखा है। फर्स्ट बार लोगों ने बोला कि गाड़ी यार जो है पानी के अंदर थी बहुत दिनों तक। पानी के अंदर थी? अबे क्या इसको मतलब नदी वदी से तुम लोग निकाल के लाए हो क्या? फर्स्ट बार एक तालाब के अंदर थी भाई, पता नहीं किसी ने फेंक दिया था वहाँ पे। अरे भाई तो ये भाई किसी क्राइम में यूज हुई होगी भाई। यार ये क्या क्या चीजें उठा के ले आता है तू बिना परमिशन के, अभी पता चला पुलिस उठा के ले जाएगी हम लोगों को। फर्स्ट भाई ऐसा नहीं है, मैंने अंदर में चेक कर लिया, कुछ भी नहीं था फर्स्ट भाई। अच्छा ठीक है यार, अब जो भी होगा देखा जाएगा गाइस। वैसे भी ये गाड़ी हमारी नहीं है, जिसकी भी है वो समझेगा। और ये शीशों को साफ करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग भी यहाँ पर जिद्दी है गाइस, हम लोग भी हार नहीं मानेंगे। और एक्चुअली में कौन सा वाला मेरे को यूज करना था इनको निकालने के लिए, अबे मैं भूल गया यार, इससे नहीं होगा। कौन सा है? हाँ ये वाला, लेट्स गो भाई, सबसे पावरफुल वाला। और ये कोनों में से सारे दाग निकाल देगा दोस्तों। और आप लोग देख सकते हो एकदम चकाचक क्लीन हो चुका है। अरे बाप रे बाप, सामने में हालत तो यार बहुत टाइट पड़ी है गाइस, लेकिन इसके अंदर कितना चमक रही है यार गाड़ी। चलो अब हम लोग को थोड़ा वो 40 डिग्री वाला नोजल चाहिए, यू नो वाइड क्लीनिंग करना पड़ेगा अपन लोग को यहाँ पे। ये देखो टेल लाइट साफ कर दी, आई मीन फ्रंट लाइट साफ कर दी, और अब हेडलाइट भी साफ करना बाकी है गाइस। चलो भाई चलो, यहाँ पे नोजल्स बदल बदल के मारो इसको, एकदम रगड़ रगड़ के साफ करेंगे, सारी गंदगी निकाल देंगे भाई। अंदर में एकदम बम्पर में भी गंदगी घुसा दी है इन लोगों ने, फुल जैम है भाई। अगर आप लोगों ने भाई अपने घर में कभी गाड़ी साफ नहीं की तो आपको समझ में नहीं आएगा कितना मेहनत, कितना पसीना और कितनी शिद्दत लगती है दोस्तों। मतलब एक गाड़ी को साफ करना इतना आसान नहीं है, और खास करके जब गाड़ी इतनी गंदी हो तो। लेकिन गाइस इतना तो बोलना पड़ेगा, गेम मजेदार बनाई है इन लोगों ने, लेकिन मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि इस गेम में मेहनत बहुत करना पड़ेगा दोस्तों। तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है यार, मतलब उस लाइक के बटन को दबा दो, क्या जा रहा है। अरे 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 नीचे का यार कचरा साफ हो गया भाई, बहुत बढ़िया। अब बस ये भाई ये कचरा हट ही नहीं रहा है। चलो मारते रहो यहाँ पर, जल्दी से अपन लोग वाटर स्प्रे करते। अरे भाई छत का हाल देख रहे हो, कबूतरों ने टट्टी कर करके भाई साहब यहाँ पे भूकंप ला दिया गाइस। इतना टट्टी कौन करता है बे, वो भी पानी के अंदर घुस घुस के टट्टी कर रहे थे क्या ये लोग। तो भाई लगता है कि डाइविंग कैप पहन के जाते होंगे भाई ये कबूतर। अबे कबूतर थे कि स्विमर थे भाई। चलो कोई बात नहीं, अपन लोग को क्या लेना देना है भाई, हमें तो यहाँ पर कचरा साफ करना है। चलो गाइस इस नोजल को अपन लोग करते यहाँ पर थोड़ा पावरफुल, और सारी जिद्दी मैल को निकाल देंगे और फेंक देंगे उखाड़ करके इस गाड़ी के बाहर। अबे यार अभी भी बहुत गंदगी है भाई, 3-4 बार साफ करना पड़ेगा। साबुन का पानी नहीं रखा है क्या चॉप तूने? फर्स्ट भाई मेरे को बोलते तो साबुन का पानी भी अरेंज कर देता, लेकिन मेरे को कोई बताया नहीं तो मैंने आपको नॉर्मल पानी दे दिया फर्स्ट भाई। अरे बेचारे बच्चे, अब इतने प्यार से बोलेगा तो भाई अपन लोग पानी क्या, अपन लोग इसको यार मतलब यू नो किससे, ऑयल से भी साफ कर देंगे। लेकिन भाई देखो अभी के लिए फिलहाल हम लोगों को गाइस यहाँ पे इस जिद्दी मैल का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्ती यारी से तो ये गंदगी निकलने वाली नहीं है। हम लोगों को बार बार अपने इस पावरफुल वाली नोजल का इस्तेमाल करके पानी को एक जगह मार के क्लीन करना होगा। ये भाई एक बार में क्लीन कर देती है, लेकिन अभी भी यार गंदगी जो है बेहद ज्यादा है गाइस, हर जगह भरी पड़ी है गंदगी, ऊपर है बाहर है नीचे है आगे है पीछे है दाए है बाएं है, समझ में नहीं आता कहां जाए है भाई, कैसे करे ऊपर का साफ। यार अगर इसको साफ करने के लिए तो मेरे को ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा भाई। चलो चलो अब यहां से साफ करते गाइस, ये हुई ना बात। फर्स्ट भाई अगर वैन को पचका दिया तो क्लाइंट यार पैसे नहीं देगा भाई। अरे पैसे छोड़ भाई, साफ हो जाए वही सबसे बड़ा चमत्कार होगा, इसको पैसे की
पड़ी है, मैं फ्री में साफ कर दूं भाई इन लोगों के लिए। इतनी गंदी गाड़ी दी है भाई, पैसे नहीं थे क्या इनके पास? हम ही लोग के पास क्यों लेके आए भाई? भाई क्योंकि अपन लोग ने नई नई दुकान खोली, आपने तो बोला यार कस्टमर ला करके दो। अबे कस्टमर बोला था, गुंडे ला के दे दिए तूने भाई साहब। क्राइम डिपार्टमेंट की कार लग रही है, हटाओ यार अपन लोग इसको साफ करते हैं। ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर पता चला वो लोग हमें भी यार ऐसे ही कंधा कर देंगे, फिर चौप तो भाई साफ नहीं करेगा मेरे को गाइस। तो इसलिए अपना सफाई खुद ही करना चाहिए हम लोगों को। ओह माय गॉड गाइस, क्या चमकाया है मैंने, देख रहे हो रूफ भाई चमकने भी लग गई, और यहाँ पर ये कबूतर की टट्टी भी धीरे धीरे करके साफ हो रही है, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही पानी मारते जाओ दोस्त। ओहो लेट्स गो, ये हुई ना बात गाइस, इसको कहते हैं असली चमकान के मुस्कान भाई। अभी अपन लोग आई गेस कितना 76% ऑफ द टोटल व्हीकल क्लीन भी कर दिया हम लोगों ने, यानी कि गाइस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 33% बचा है, क्योंकि अभी 78 हो गया, बहुत बढ़िया। वो भाई अब तो सिर्फ शीशे बचे आगे के। चलो भाई ये तो हो जाएगा गाइस, मेरे को तो लगता है कि अपन लोग आराम से इसको क्लीन कर देंगे, बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाएगा ये। आप लोग बस फटाफट से कमेंट करके बोलना कि आपको क्या लगता है, हम लोग जो सफाई करने का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है या आपके पास कोई बेटर तरीका है। और अगर आपको कमेंट करके बताना है कि आपके पास बेटर तरीका है तो बस वीडियो को लाइक ही कर दो, वही ज्यादा बेटर रहेगा। तो भाई ये क्या बात हुई भाई, ऑडियंस अगर बताना चाहते तो बता सकते हो भाई। हाँ ठीक है भाई, बोल देना कि मेरे पास बेटर तरीका है, मैं भाई आपके कमेंट्स पढ़ लूंगा और फिर हम लोग अगली वीडियो में उसी तरीके को इस्तेमाल करेंगे। गाइस मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं कि ये पतला वाला नोजल ही को इस्तेमाल किया करो, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ इससे इतना कम सरफेस एरिया क्लीन होता है एक बार में कि अपन लोग इसका यार ज्यादा देर तक इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, और सिर्फ एजेस में जो गंदगी फंसी हुई है सिर्फ इसको निकालने के लिए यार इसका इस्तेमाल करना सही रहेगा। और ये देखो भाई पूरा साफ कर दिया, आप बस ऊपर में भी इसको इस्तेमाल कर लो, थोड़े मोड़े छोटे मोटे यार दाग पड़े हुए यहाँ पर उसको भी साफ करके निकाल देंगे एकदम रगड़ रगड़ के, रगड़ रगड़ के भैंस की आग, कोई नहीं आग जिंदा बच के जाएगा घर वापस। गाइस हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं फुल ऑन स्पीड में। ओके गाइस अब हम लोगों ने यार मोस्ट ऑफ द गंदगी क्लीन कर दी है टॉप में से, बस थोड़े थोड़े जो एजेस है ना उनमें बार बार ये गंदगी फंस जाती है। जैसे यहाँ देखो भाई इस गेम को बहुत रियलिस्टिकली डिजाइन किया गया है यार, मानना पड़ेगा गाइस, मतलब इतना रियलिस्टिकली तो यार मैं रियल लाइफ में नहीं गाड़ी साफ करता हूँ भाई। इन लोगों ने इतना ध्यान रखा है, एकदम एक एक कोने में फंसी गंदगी को छुपा करके यार रहने नहीं देंगे, ये एकदम ढूंढ के निकाल के बोलेंगे साफ करो तुम्हारी ऐसी की तैसी। ऑलराइट गाइस तो हम लोगों ने आई गेस मोस्ट ऑफ द टॉप जो है क्लीन कर दिया है, और ज्यादा कुछ तो नहीं बचा है, टैप दबाने पे भी मेरे को गंदगी नहीं दिखाई दे रही है। ओ यहां पर है भाई थोड़ी सी, देख रहे हो मैल जम गया है भाई साइड में, इस मैल को रगड़ रगड़ के भाई साफ कर दो, और आई गेस अब क्लीन हो गया, अब कुछ नहीं बचा है मेरे हिसाब से। टैप दबाने पे भी अपन लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और गाड़ी 85% क्लीन भी हो चुकी है दोस्तों, बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशंस भाई हम दोनों को यहाँ पर। भाई हम दोनों को, मैं तो भाई बस यहाँ पे खड़ा हूँ भाई। अबे तो हाँ हाँ तो सही बोला भाई, तेरे को किस बात का कांग्रेचुलेशन, तेरी तो बैंड बजाऊंगा अभी, देख रहा इसी पाइप से तेरी धुलाई करूंगा मैं, तू भी नहीं नहाया है ना बहुत दिनों से, अभी इसको रगड़ रगड़ के इसका सारा मैल निकालेंगे गाइस। और फर्स्ट भाई मेरे को पानी तो बहुत गुदगुदी होती है भाई, मेरे को मैं तो मत करो भाई प्लीज, मैं अपने तो नहा लूंगा भाई। अबे तू क्या घंटा नहाएगा, चार दिन हो गए भाई ठंडी ठंडी बोल के नहा नहीं रहा है। देखो गाइस अभी मौका मिला है, इसको ऐसा जमाएंगे और बजाएंगे ना बिड़ू पानी के अंदर भाई साहब, डेली खुद से नहाने जाएगा तू। फर्स्ट भाई नहीं जा रहा हूं, मैं तो साबुन कहां गया भाई, कोई साबुन ला कर दे दो मेरे को। हाँ जल्दी जा नहाने के लिए। ऑल राइट गाइस तो ये भागा है ये बच्चा, और अभी अपन लोग इसको क्लीन करते हैं, और लेट्स गो भाई। ये कोनों की सारी गंदगी निकालो दोस्त, अरे बाप रे कितनी सारी गंदगी बची हुई है यार, भाई कितना भी साफ करो गंदगी निकलती ही नहीं है भाई, पूरा का पूरा दिमाग खराब हो गया मेरा रगड़ते रगड़ते। लेकिन ये जिद्दी मैल पीछा ही नहीं छोड़ते भाई, गेट के ऊपर गेट के नीचे हर जगह यार लौट के आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पे भी भाई कोनों में सबसे ज्यादा यहाँ पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको भाई एक बार में यार क्लीन करना हमारा मोटिव है। ऑल राइट ये भी क्लीन कर दिया, बहुत बढ़िया दोस्त, आप ज्यादा नहीं बचा हुआ है गाइस, बस ऐसे ही हम लोगों को अपने हाथ चलाते जाने हैं और हमारा काम यहाँ पर होते जाएगा। ऑलराइट पीछे का तो रास्ता आई गेस बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीका से क्लीन कर दिया हम लोगों ने, बस यार ये दरवाजों के ऊपर वाली गंदगी से एक बार पीछा छूट जाए ना तो मजा आ जाएगा गाइस। ऑलराइट आई गेस इतना काफी है, 94% व्हीकल को हम लोगों ने ऑलरेडी क्लीन कर दिया है, बंपर वगैरह भी हम लोगों ने क्लीन कर ही दिए हैं यहाँ पर। नहीं नहीं नीचे थोड़ी सी गंदगी है, इसको तो लेट के निकालना पड़ेगा भाई, देख रहे हो गाइस क्रिएटिव होना पड़ रहा है हम लोगों को। ऑलराइट गाइस लेट्स गो, हम लोग को यहाँ पर एक तरीका मिल चुका है जिससे हम लोग यहाँ पर साफ कर सकते हैं, और अब ये भी साफ हो गया, बहुत बढ़िया भाई। अब चक्कों पे भी थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि इन पे भी भाई बहुत ज्यादा धूल जमी हुई, आप लोग देख सकते हो। ओ माय गॉड भाई पूरे चक्के यहाँ पर जाम हो चुके हैं मिट्टी से, ये गाड़ी तो भाई पता नहीं किलो ले करके कैसे आए, चलाना तो पॉसिबल नहीं था यार। मेरे को लगता है गाइस ये लोग टो करके हमारी गैराज में फेंक के गए, और ये टायर हो चुका है क्लीन, और यहाँ पर हम लोगों को मिल चुका है इसका $1। मैं फिर भी यहाँ पर मेंटेन कर रहा हूँ अपन लोगों की साफ सफाई, और ये देखो गाइस गाड़ी के नीचे की गंदगी दिखाई दे दी मेरे को, इसको
भी साफ करो भाई, अब तो लेट गई सफाई करेंगे। सबसे बेटर टेक्निक मिल गई हम लोग को, सबसे बढ़िया सफाई करने का तरीका यहाँ पर निंजा टेक्निक मिल चुकी है। ओ अरे अरे यहाँ पे कितनी गंदगी है भाई, पावर वॉश, ओ भाई इसको साफ करो। लोगों के पास भाई साहब इतनी गंदगी बर्दाश्त नहीं हो सकती, हमारी कंपनी का यार टैग लगवा दिया इन लोगों ने भाई। अपन लोग इस गाड़ी को हो सकता है फ्यूचर में यूज करेंगे, ये हम लोग के ही काम में आएगी, इसलिए हम लोग इतना जम करके इसको सफाई कर रहे हैं। और गाइस बोलोगे तो अगली वीडियो में अपन लोग बाइक की सफाई करेंगे, तो इस वीडियो पर फटाफट से लाइक कर दो, 100,000 लाइक्स और पार्ट 2 आ जाएगा। मैं लाइक गोल रखता हूं, लेकिन आप लोग क्लिक नहीं करते हो भाई, क्यों भाई, इज्जत नहीं है क्या हमारी बातों की? ऑलराइट लेट्स गो। एनीवेज भाई मेरे को सच बोलूं तो यहां पर इस गाड़ी की इतनी टेंशन है ना गाइस कि अपन लोग इसको कैसे 100% क्लीन करेंगे, क्योंकि हर समय यार कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह यार छोटा सा दाग जो है रह ही जाता है, और आपको भी ये देखने को मिल रहा होगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो फ्रंट में यार सफाई करना बाकी रह गया है, और अब भाई यहां पे तो पूरा ग्रिल वगैरह के अंदर में बचा हुआ है यार गंदगी। ऑलराइट तो गाइस बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली सारी गंदगी यहां पर हम लोगों ने साफ कर दी है, और हम लोगों की गाड़ी जो है फुल ऑन एकदम चमकने लग गई। अब आप लोगों को मैं एक टाइम लैप्स दिखाता हूं, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा जब हम लोग इस एक्चुअली जॉब एक्सेप्ट कैसे करते हैं। हाँ ये रहा, ये देखो भाई कितनी मेहनत की है मैंने, भाई 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 पूरा पसीना छूट गया। गाइस सब्सक्राइब कर दो, मेरा बंदा कितना मेहनत कर रहा है। ओ माय गॉड क्या क्लीनिंग किया, अरे भाई एकदम स्पाइडरमैन स्टाइल में किया है। फर्स्ट भाई आ गया मैं नहा करके, ओ भाई क्या गाड़ी क्लीन की, मजा आ गया फर्स्ट भाई, ऐसे ही गाड़ी क्लीन करते रहो हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे। चलो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आई है तो आपको पता है क्या करना है, हम लोग चलते हैं अगले विजन में। थैंक्स वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।